नमस्ते भैया, कैसे हैं जी आप? कैसे झुमरी दीदी? बस सबको बड़ा याद करते। नमस्ते, लाइए। रुकिए रुकिए रुकिए, फौजी अपना सामान खुद उठाते हैं। हमें तो यकीन ही नहीं होता कि भैया फौजी बन गए। इन्हें खुद का यकीन होता है? इतने प्यार से लगा कर गए थे तो खिले हुए फूल देखकर आप खुश होंगे, पता था हमें। मुरझाने कैसे देते जी? ओह, तो सन की मनुत्रा दी 8th, हाँ 9th, माली भी है। वाओ, आओ कभी हमारे बाग में भी। तुम्हारे इस बड़े के बाकी के खतरनाक टैलेंट भी ना तुम्हें धीरे धीरे पता चलेंगे। हम वैसे भी कहाँ ही जा रहे हैं सर, जब तक कैंट से क्वार्टर अलॉट हो हम तो यहीं हैं, धीरे धीरे सब पता कर ही लेंगे। तुलसी तेरे आंगन की बनकर रहेंगे। अबे नौटंकी, अंदर चलो, फ्रेश हो जाओ, चलो। खाली घर में लाइटें? बंटी तो कह रहा था कि अब यहाँ कोई नहीं रहता जी, सब गए, बस डमरू जी घर की देख रेख। नहीं ना रहे, हमें क्या, मेरी बला से बाहर में जाए। अब जब रिश्ता ही नहीं रहा तो फर्क भी क्या पड़ता है। भैया को क्या बताए कि अब क्या रिश्ता है जी, इसलिए फर्क पड़ता है। पता नहीं कहाँ रह गए दोनों, अब तक तो आ जाना चाहिए था ना इन्हें। और ये सुमन कम से कम फोन करके ही बता देती। आ जाएंगे, क्यों इतनी टेंशन ले रही हो तुम? अरे आप तो रहने ही दो, कंचन फिर भी समझ लेती थी इसे। पता नहीं कब कॉलेज से आना होगा उसका। और ये सुमन ना बहुत टेंशन देती है मुझे। कितनी बार छुट्टी पे बुलाया, आई कभी? कभी कोई बात मानी इसने आपकी? छोटा सा तो परिवार है भी ना हमारा, अब सुमन आ जाएगी तो पूछ लेना ना उससे। नहीं, केस के लिए आ रही है, हमारे लिए नहीं आ रही है। बिना तुम इतना ऐसे क्यों बोल रहे हो यार, वो सुमन आ जाएगी तो। सुनिए, इस बार है ना घर के बारे में बात कर लेना आप, हमारा भी बेटा है, उसके भविष्य की चिंता करनी है हमें। और सीधे मुझे बात करती नहीं है वो, पर इस बार मैं बात करूंगी सुमन से। चाची, पीठ पीछे इतना प्यार लुटाएंगी मुझ पे? जी तेरा, आप इतना याद करते हैं कि मेरी तो हिचकियां ही बननी होती। खुश रहो, अपनी चाची की बातों का बुरा मत मानो। तुम तो जानती हो इतने सालों में वो बहुत बदल गई है। जब टाइम ही बदल गया है चाचू, तो सब थोड़ा थोड़ा तो बदलेंगे ही ना। थोड़ा चाची बदल गई है, थोड़ा मैं। हे भगवान, ये चोट तुम्हें कैसे लगी? तुम्हें बहुत दर्द हो रहा है मेरे बच्चे। जो आर्मी में कैप्टन थे दीदू की तरह, जिन्होंने मेरी जान बचाई, उन्होंने बोला मेरे नाम में ही स्ट्रांग है। कौन थी वो? मेरे लिए तो बिल्कुल भगवान जैसे है वो, जिन्होंने मेरे बच्चे को बचाया। जब भी कभी मुझे मिलेंगे मैं उनके पैर गंगा जल से धोके जरूर पीऊंगी। मेरे न्यू फ्रेंड है वो, और उन्होंने प्रॉमिस किया है कि वो मुझे मिलने आएंगे। ये लो चाचू उनका नंबर। हेलो हेलो हेलो, आपकी आवाज साफ नहीं आ रही है मुझे। हेलो, क्या हुआ, लाइन क्लियर नहीं है? नेटवर्क प्रॉब्लम है शायद। हेलो, मुझे दीजिए, मैं ट्राई करती हूँ। हेलो हेलो, आपकी आवाज नहीं आ रही है। हेलो हेलो हेलो, देखिए आप जो भी भैया, आपकी आवाज नहीं आ रही है। हेलो, अब तो छत पे भी आ गया, आवाज सुनाई दे रही है आपको? हेलो, आपको मेरी आवाज सुनाई दे रही है? इससे ज्यादा नहीं हो पाएगा। यहाँ अब भी नेटवर्क की प्रॉब्लम रहती है। चाचू अभी नेटवर्क बिल्कुल नहीं है, मैं बाद में ट्राई करती हूँ। चाची तब तक मैं पूजा की थाली सेट कर देती हूँ, कहाँ है गंगा जल? क्यों? अरे
जिसने आपके बेटे की जान बचाई है, आपको तो उसकी पूजा करके गंगा जल से पैर धो के पीना था ना। हाँ हाँ, बना लो मजाक मेरा। माँ और बच्चे का रिश्ता होते ही कुछ ऐसा है, माँ बन करे ना सब बदल जाता है। जानती हूँ चाची, क्योंकि बिल्कुल ऐसा ही रिश्ता था मेरा मेरे पापा के साथ। इसलिए ये घर जिसमें मेरे पापा की सारी यादें जुड़ी हैं, वो कभी नहीं बिकेगा। सुमित, ये लीजिए और दिखाइए अपने परिवार से प्यार। जाना एक साइन था, जाते जाते उन्होंने मेरी जिंदगी बचा ली जो कि बर्बाद होने वाली थी तुम्हारे साथ। जाओ यहां से अभी के अभी। हेलो, माय फेवरेट कैडेट परफेक्ट। हेलो, कैसी हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, और आप? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। कुछ भिजवाया था आपके लिए, मिला आपको? मुझे तो कुछ नहीं मिला, क्या भिजवा? एक मिनट होल्ड करिए, अभी बताती हूँ। सॉरी सुमन दीदी, आपके फोन के बीच में आने के लिए, ये वकील साहब ने भिजवाया था। थैंक यू डमरू भैया। कैसे आप? आप तो बिल्कुल भी नहीं बदले, बस थोड़ी हड़बड़ी में लग रहे हैं। हड़बड़ कहाँ, हम ठीक हैं। अरे अरे, क्या हुआ? आपको पता है हम कितने सालों बाद मिल रहे हैं, ना मुझे हेलो बोला ना हालचाल पूछा। हेलो सुमन दीदी, आप कैसी हो? मैं तो बस यही सोच रही हूँ कि अच्छे खासे सबको हंसाने वाले डमरू भैया आज इतने डरे हुए क्यों लग रहे हैं? हाँ, सच्ची बताएं दीदी। हम तो वही डमरू हैं, पर सब कहते हैं कि हमारी सुमन दीदी बहुत बदल गई है, खूब गुस्सा करने लगी हैं, तो हम थोड़ा सा ना घबरा गए थे कि कैसे बोले। मैं भी सच्ची बोलूं, थोड़ा बहुत तो हम सब बदले हैं, मैं भी, पर आपके लिए थोड़ी ना डमरू भैया, आपके लिए तो मैं हमेशा वो पुरानी वाली सुमन रहूंगी। हाँ, फिर तो अपनी पुरानी वाली सुमन दीदी के लिए पुरानी वाली स्पेशल चाय, अदरक कूट के चीनी कम, खूब कड़क बना के लाते हैं। ये हुई ना बात, अब लग रहा है मुझे कि मैं घर आई हूँ। हेलो, सॉरी आपको इतनी देर होल्ड करवाया, पर जो आपने भिजवाया था वो मुझे मिल गया, थैंक यू। दैट्स ग्रेट। और अब हम कब मिल रहे हैं? केस के बारे में कुछ इम्पोर्टेंट बातें भी डिस्कस करनी थी।
अगर आप बिजी ना हो तो कल सुबह मिल सकते हैं। आई मीन कुछ अर्जेंट तो नहीं है ना? नहीं नहीं कुछ अर्जेंट नहीं है, कल मिल लेते हैं, कल सारी बातें डिस्कस कर लेते हैं। यू ऑल्सो मस्ट बी टायर्ड राइट? बेटर टेक सम रेस्ट, आई विल सी यू टुमारो मॉर्निंग। ओके ओके। एंड विक्रम, थैंक यू फॉर एवरीथिंग। इस केस में जिस तरह से हर स्टेप में आपने मेरी हेल्प करी है, यू हैव बीन माय बिगेस्ट सपोर्ट। थैंक यू। ऑफ कोर्स, एनी टाइम। एंड प्लीज अब और थैंक यू मत बोलना। ओके ओके बाय। ओके बाय। हाँ पापा, ब्रोकर से बात हो गई है, वो कल आएगा। हाँ पापा। चुमनी दीदी, मेरे दोस्त उठे? धम्म से कटोरी गिरी जी, फिर भी नहीं उठे। पापा मैं अब आ गया हूं ना, अब आप कोई टेंशन नहीं लोगे, ना घर की ना केस की। सबसे पहले मैं घर बेचता हूं, और केस के लिए तो वकील से बात हो ही रही है ना पापा। ठीक है। श्रवण, हंटी, रोहनिया, अबे साले, तूने तो पूरा लुक चेंज कर लिया, बड़ा सीरियस टाइप लग रहा आज। जिसके लिए मुझे बढ़ाई है वो हैप्पी, तो हम डबल हैप्पी। वैसे गर्लफ्रेंड है भाई, और मैं तेरे लिए बहुत हैप्पी। वैसे एक बात बता, जब तू घंटों मुझसे बकवास करता था तब तूने बता दूं ये सब? क्या कहते मियां, सोचा कि मिलेंगे तो बता लेंगे। चला जा बैठ। और बता, शादी वादी की डेट फाइनल हुई कि नहीं? देखो मियाँ, उसके लिए ना अभी बहुत टाइम है। ठीक है, वैसे तुम अपनी बताओ। मेरा तो तू जानता है यार, बस चल रहा है, नई जिंदगी, नए रास्ते और नए सपने। अच्छा मियाँ, इतना निकल लिए नए रास्ते पे कि पुराने रास्ते, पुराने दोस्त और पुरानी जिंदगी ही भूल गए। 4 साल से मिले नहीं हम मियाँ। अच्छा साले, ये मूछें क्या रख ली तूने? मेरे सामने ज्यादा सीरियस बन रहा है तू। तो लंबा यहीं रुकना, साथ में मेरे दोस्त बस्सी और सौरभ भी आए हैं, मिलके धमाल करेंगे। सही है मियां, अब हम भी दिखाएंगे जब बस्सी को और सौरभ को कि श्रवण मियां और बंटी मियां की भोपाल की मस्ती क्या होती है। वैसे मिया, कुछ बात हुई क्या तुम्हारी उससे? किसे? देखो मिया, तुम ना बहुत अच्छे तरीके से जानते हो कि हम किसके बारे में बात कर रही है। ठीक है, तो ऐसा है ना, अपनी जो ना समझने वाली गंदी एक्टिंग है ना, वो अपने केंट वाले दोस्तों के लिए बचा के रखो, हमारे लिए नहीं। भूल गए क्या, हम तुम्हारे तब से दोस्त है जब से तुम्हें खुद को याद नहीं है, कब से। ठीक है, और वैसे भी अभी जोर दे ही रही हो ना, तो नाम बता ही देते हैं, सुमन तिवारी से। जब इतना पुराना दोस्त है मेरा और सब कुछ जानता ही है, तो क्यों ले रहा तू उसका नाम? क्यों कर रहा है फालतू की बातें? गुस्सा क्यों हो रही हो मियां? तुम्हारी परवाह करते हैं इसीलिए पूछते हैं, और वैसे भी यूं बात दबाने से काटना बंद नहीं होती मियां। जो नाम तूने लिया है ना, मेरे और उसके बीच में अब कोई रिश्ता नहीं है, और आज के बाद इस टॉपिक पे कोई बात नहीं, स्पेशली मेरे आर्मी फ्रेंड्स के सामने, समझा? मतलब तुम्हारे नए दोस्तों को पुरानी चीजों के बारे में कुछ भी नहीं पता? तो तुझे क्या लग रहा है, बड़े होकर मैं दुनिया में ढिंडोरा पिटता फिर रहा हूं कि बचपन में किस किस गड्ढे में गिरा था और क्या क्या बेवकूफियां की थी मैंने? और वैसे भी मैं पीछे मुड़ के नहीं देखता। ठीक है मियां, अगर तुम आगे बढ़ गई हो ना, तो हम भी तुम्हारे साथ आगे बढ़ेंगे, और आज के बाद तुम्हारे सामने हम उसका नाम कभी नहीं लेंगे। सॉरी मियां, इतना क्या सीरियस होता है? पता है, मेरे बचपन की सबसे बढ़िया बेवकूफी तो तू है।
इसे मैं कभी भूल नहीं सकता। छोड़ो यार, तुम तो ना हमको याद ही नहीं रखते, वो तो हम हैं जो तुम्हें कभी भूलने नहीं देते। मॉम इसकी है तुमको पता है। चलो अब तो तुम बहुत थक गए होंगे ना, एक काम करो तुम ना बढ़िया से रेस्ट कर लो, हा? हम फिर आते दोबारा तुमसे मिलने, है? ठीक है, ध्यान रख। हाँ। ये देखो ऐसे बदलेगा हमारा इंडिया, कैसे सो रहे हैं। ए झूलेलाल उठो यार, कैंट जाना है। बसी, अरे सर कैंट दोपहर में जाना है, आपकी छुट्टी चल रही है, आप क्यों तैयार होके बैठे हो यार? क्योंकि सुबह सुबह कर्नल सर के रिपोर्ट करना है और उसके बाद ब्रोकर से मिलना है मुझे। जा रहा है ना, तो तू जा ना भाई, विल कैच अप एट कैंट। टाटा, गुड नाइट। वाह, दोनों में से आंख एक की नहीं खुली और मुझे टाटा बाले कर रहे हैं। कुंभकर्ण गाएंगे। 3, 2, 1। वीर वहां नहीं, रुको। ये लड़का भी ना खाली घर में कूद गया जाके। ये किसका बच्चा आ गया बाहर? ये लड़की चल क्या रहा है बाहर? चैंप, तू यहां कैसे? मैं तो दीदू के साथ छुपन छुपाई खेल रहा था, लेकिन आप यहाँ क्या कर रहे हो? छुपने के लिए तुझे मेरा ही घर मिला था। ये आपका घर है? पर ये आपका घर कैसे हो सकता है? ये तो मेरी दीदू का फ्रेंड का घर है। अच्छा, कौन है तेरी दीदू? सुमन तिवारी। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.